अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो आज मासी कैसी हैं आप? अच्छी, कितनी अच्छी अल्लाह का शुक्र है। चाय किसने बना के दी है? नदीम बेटे ने अच्छी हाँ, चाय बनाई है, केक लिया है नाश्ता। आज मासी ने कहा कि मैंने तो चाय और केक का ही नाश्ता करना है। आज मासी बड़ी खुश है, कही नदीम के हाथ की चाय अच्छी होती है, सहमा के हाथ की चाय अच्छी नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल, नदीम साहब, तुसी कुछ बोलना चाहोगे? चाय पी के बाद हाँ, देख ले, हम चाय जब पीते हम किसी से बात नहीं करते, ताकि हम चाय के इतने दीवाने हैं। तो मासी आप करें इंजॉय, मासी ने काम पे जाना है आज। आज मासी को देख लें, माँ के बगैर आज मासी के बच्चे उस आईडी कार्ड नहीं बना सकते। माँ से नाराज कि तब दूर दूर से आए हैं माँ की मिन्नतें करने के लिए। बाबा उनके नहीं है ना, बाबा डेथ हो नहीं गई, बाबा ने डेथ होगी बाबा की। बस हाँ जी, बाबा की उनकी डेथ हो गई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको नया बाबा दे। नहीं दुआ ही हमने कर सकते हैं। नहीं, हमने नहीं। मौसी मौसी करवानी है शादी? नहीं क्यों, चलो अकबर साहब दे हजे भी याद कर देने। करनी सोचांगे है यानी कि तुसी दिल है थोड़ा है। भाई बाकी आप मौसी के मुस्कुराने से अंदाजा लगा सकते हैं। और मासी फिर बात बढ़ाए, अल्लाह शुक्र आप ठीक नहीं ठाक दिल आप। मानता तो फिर बात बढ़ा दें हम। क्यों, नहीं लड़की शर्मा गई हमारी है? मासी शर्मा ना, ये भी आप बात कर ली बात। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं चाय और मासी के साथ, तो मासी को मना रहा हूँ, सुबह न्यू एंकल दे दिया सुबह को हमें। चाय के साथ केक अकबर साहब उदास हैं आपके बिना। बहुत मज़ा देते हैं। तो जैसा कि मैंने 4-5 दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया, इसलिए कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डेंगू वाले इलाके में बहुत आई हुई है। तो इंशाल्लाह आज के बाद डेली आप तक व्लॉग हमारा पहुंचता रहेगा। तबीयत बहुत बेहतर होगी आप लोगों की दुआओं की वजह से, तो इंशाल्लाह अब आपको डेली वीडियो ज़रूर मिलेंगी। मैंने आप लोगों से बात करनी थी कि जो सहर है बेचारे की वीडियो एक लीक हो गई है, वो हमारे इलाके की है, बहावलपुर की, पास ही उनका हमारे गांव है। तो जैसी भी है हमारे यहाँ का, यानी कि बहुत अच्छी है। अगर किया तो उस बंदे ने किया ना जिसने एतमाद ने उसको इतना लिया कि उसने यहाँ तक उसने भी हरकत की। गलती थोड़ी बहुत उसकी भी है, लेकिन हमारा जो शहर है वो हमारे यहाँ के बहावलपुर इलाके की है। तो हम इंशाल्लाह ताला उसके घर का भी आप लोगों को विज़िट कराएंगे, वो किस घर में रहती है, तो बहुत जल्द। तो ऐसे नहीं किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहते, कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है कि जो दूसरा किसी ने गुनाह ना किया हो। कोई छुपके करता है, कोई सरेआम करता है, कोई धोखा खा जाता है, इंसान बहुत बार किसी की बातों में आ जाता है। देखो उसने भी आखिर उसको इतना इत्माद लिया, तो उस बेचारी ने ऐसी हरकत की है ना। तो लोग उसका बहुत, अब कोई गंदे कमेंट्स कर रहे हैं पैसे खातिर, अब ये पैसे की खातिर कर रही है। भाई उसको पैसे की क्या ज़रूरत है, माशाल्लाह उसकी अच्छी खासी आमदनी है। अच्छे ठीक है, पहले वो थोड़े से गरीब घराने के इलाके की थी, लेकिन अल्लाह मियाँ ने उसको काफ़ी अब इज्जत दी है, तो बहुत अच्छा है, मंथ का कमा रही है। तो गलती तो उस बंदे की है ना जिसने उसको, यानी कि पहले एतमाद में लिया, फिर उस बेचारी को इस घटिया हरकत की है कि यहाँ तक उसने बोला कि तुम ऐसा करो वैसा करो। चलो उसने जैसा भी किया, लेकिन अब उसको माफ़ी भी देनी चाहिए। अब जिसको नहीं मौका मिलता उसी की वीडियो बना देते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं। वो थी बहुत ही गरीब घराने की थी, अल्लाह मियाँ ने उसको शोहरत दी है, इज्जत दी है, जो भी दिया है। तो गलतियाँ बड़े बड़ों से हो जाती हैं, हमसे नहीं सबसे होती हैं, उससे भी हो गई है। तो हमारे हर वो पाकिस्तान की इज्जत है, औरत है, हमें उसकी इज्जत छुपानी चाहिए कि पूरी दुनिया में उसको बदनाम करना चाहिए? खुदा ना खासा कल को किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो जाए, फिर हो सकता है ना। ताकि बहुत सारी मैंने अच्छे अच्छे घरानों के देखा जो उनको लड़कियों के साथ ऐसा वैसा हो जाता है, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो ही मिलना है ना। तो आप परहेज़ किया करें, ठीक है, किसी की बात करने से, किसी को ऊंचा बोलने से, उसकी हर जिसका दिल करता है उसकी वीडियो को लगा लेते हैं, हर जिसका दिल चाहता है उसको ब्लैकमेल कर लेता है, ये करता है वो करता है। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा।
देखें, हमारे माशरे में औरत की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। देखें ये तरबियत का असर होता है, कुछ ये देखें कि उसने अपनी रोज़ी रोटी के लिए इस प्लेटफार्म को चुना, तो बाकी ये उनकी गलती है कि देखो जब सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही हैं, हर किसी अपनी अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन देखिए ये मैं मानता हूँ कि जब अपने जिस्म का पार्ट्स दिखाएंगी तो फिर ऐसा तो होगा ही ना, जे उसकी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन डॉलरों की हबस में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, तो इसे परहेज करना चाहिए था। बाकी अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, हम दवाई कर सकते हैं, तो वो हमारे इधर इलाके की है इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी दिन वीडियो में, अभी तो नहीं, खैर फिर किसी दिन कुछ दिन बाद हम जा रहे हैं खानपुर शादी पर, शादी से फ्री होके फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपको लाइव दिखाएंगे, उनको मिलके इंटरव्यू उनका। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।